हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो कल जो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत से वीडियो आपको मिले होंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, अलग अलग टॉपिक्स के, क्या बच गया, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इस लॉकडाउन के दौरान। अब ये वीडियो स्पेशली इस बात के लिए है कि अब आपको नहीं पढ़ना है, आपने जो पढ़ लिया बहुत हो गया। और यकीन रखिए कि आपको जितना लगता है कि आप जानते हैं, एक्चुअली इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उससे बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैक्सिमम एग्जामिनेशन के पेपर बहुत इजी आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन रहेंगे। अगर पेपर टफ बना तो वैसा बनेगा जैसा आप इंस्टीट्यूट्स के पेपर देते आए हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड। तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, और अगर थोड़ा बहुत डर है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था, तो ये डर हमेशा लगा ही रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कुछ भी नहीं होती है, कंप्लीट प्रिपरेशन एक माया की तरह है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना तैयार कर लिया यकीन के साथ एग्जामिनेशन में जाइए, और सिर्फ इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि जो कुछ भी हमने इस मोमेंट तक सीखा है, इसके आगे कुछ नया नहीं सीखना है, इस मोमेंट तक जो कुछ भी सीखा है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको बड़े ही इत्मीनान से सही करके आएंगे। जो इस मोमेंट तक आप जानते हैं उससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन न रह जाए कि एग्जामिनेशन हॉल के निकलने के बाद आपको लगे कि अरे ये तो छूट गया, या ये सिली मिस्टेक हो गया, अरे इस पे मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। तो बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन किया है, बहुत कंपोज रखना है अपने आप को। एग्जामिनेशन सेंटर पे वक्त से पहले पहुंच जाइएगा, जितना जल्दी एंट्री कर पाएं एग्ज़ाम हॉल में कर जाइएगा, अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लीजिएगा, पूरे माहौल को अपना बना लीजिएगा, ऐसे लगे कि आप अपने घर के ही टेबल पर बैठे हैं जैसे आप हमेशा प्रिपरेशन के लिए बैठते थे। ये इवेंट स्पेशल है, लेकिन बहुत ही रिलैक्स में जैसे हर पेपर आप देते आए हैं वैसे देते आइए। जो भी परफॉर्मेंस आपका अभी तक रहा है उससे बेटर परफॉर्मेंस इस एग्जामिनेशन में आएगा, आप देखिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, और बस यही कहना था।